أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه اور صداری کے لیے میں شاہد بخاری ہدایت ٹیلیویژن کے اس پروگرام فرش مدت میں حاضر ہوں میرے ساتھ ہوں گے ٹورنٹو سے جناب مشرف حسین بخاری ہم وہی ایک گھنٹہ مل کے پرسداری کریں گے آج ہم کالز بھی لیں گے اگر کوئی صاحبان شامل ہونا چاہیں کوئی بہن بھائی تو وہ بھی تشریف لا سکتے ہیں سرکار فرش مودت اور آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں کہ آپ ہمارے لیے ہمیشہ وقت نکالتے ہیں کچھ عطا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہدایت جالب ہیں پروگرامز کا اور آپ کا ممنون و متشکر ہوں کہ مجھے آپ اس عبادت میں شامل کیے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے یہ ایک انتہائی خوبصورت کلام ہے ڈاکٹر نجم سبتان حسنی صاحب کا حضرت ان کے کلام ماشاء اللہ سب بہت اچھے لیکن یہ کلام جو ہے نا یہ بہت اس میں بہت بڑا میسج ہے وہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد شعور سجدہ ماتھے زخم سینے سے کیا ملے گا شعور سجدہ ماتھے کے زخم سینے سے کیا ملے گا مراد مولا میں دل نہ دھڑکے تو صرف جینے سے کیا ملے گا شعور سجدہ بس ایک محور گرد چلنے کی مشق کا نام بندگی ہے طواف کعبہ میں یہ نہ سمجھا اس قرینے سے کیا ملے گا ملال عجب ہے عظیم سے کر آنکھ کو سر نہیں ہوئی تو جوار مکہ میں صرف زمزم کا جام پینے سے
क्या मिलेगा मुरादे मौला, मेरे दिल ना धड़के तो सिर्फ जीने से क्या मिलेगा, बस एक माँ की शबीह बनकर सफा मरवा जाने वालों, शबीह से दुश्मनी रही तो सही के जीने से क्या मिलेगा, शौरे सजेदा नहीं तो माते जख्म सीने से क्या मिलेगा, नबी के टुकड़े नबी के पहलू में दफन होने से रह गए, गसब से कब्रें बनाने वालों, अब इस दफीने से क्या मिलेगा, मरा मुरादे मौला मेरे दिल ना धड़के तो सिर्फ जीने से क्या मिलेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, सलामत रहिए। और जनाब क़िबला मोहतरम जनाब नजम सुल्तान हसनी कमाल खूबसूरत लिखते हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह। बल्कि मेरे से आपने सुनाइए कैसे मुहर्रम अल हराम के ये अय्याम कनाडा में टोरंटो में खसूसन वहां से, तो आप जी आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर फरमाइए जी। सॉरी क्या फरमाया जी? मुहर्रम अल हराम जी ये जो सफर के मजालिस हैं जी आजकल हो रही हैं मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में, और चूंकि मेरे करीब जो है वो हमारे हैं मरकजी अहले बैत हैं यहाँ पर माशाल्लाह, तो वहाँ पे मुलाकात। आवाज नहीं है सरकार आपका, आवाज नहीं आ रही उसका मुझे तो कैसे बताऊं आपको क्या क्या हुसैन है। वो चले इनको मैं शामिल करता हूँ फिर उसके बाद जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सजाद भाई साहब, या अली अस्सलाम मदद, सलामत रहे सलामत रहे पीर मौला, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बस थोड़ी सी हाजिरी है जी आता माशाल्लाह, हमारे बुजुर्गवार की आवाज बहुत प्यारी है, अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। तो दो रुबाइयों से बस अपनी हाजिरी लगवाना चाहता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। हैदर की खिताबत का नया रूप दिखाया,
हैदर की खताबत का नया रूप दिखाया, हाय हाय इक्वल में उमैया का है दीवान गिराया। हाय 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 ये पांच अजाने तेरी चादर का है सदका, सुभान अल्लाह जी ये पांच अजाने तेरी चादर का है सदका, ज़ैनब तेरे खुतबू ने तो इस्लाम बचाया। सलाम। आज किबला साहब कहते हैं कि पाकू का नाम न लो, है मादरे हसनैन मुझे मंजूर है सूली, है मादरे हसनैन मुझे मंजूर है सूली, हाय हाय मैं नाम तेरे कातल के छुपा नहीं सकता, मैं नाम तेरे कातल के छुपा नहीं सकता, बेखौफ करता हूँ तेरे कातल पे लानत, बेखौफ करता हूँ तेरे कातल पे लानत, अपनी नस्लों को मुनाफिक में बना नहीं सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सलामत रहिए, रब सल्ली अला मुहम्मद व आल सलामत रहिए। माशाल्लाह, हाय हाय इश्तियाक भट्ट साहब, आप जनाब कांटा ही बदल गए, पढ़ना कुछ और था, अब कुछ और देख रहा हूँ, मिल गया मुझे तो। जनाब माशाल्लाह, बुखार साहब आपकी आवाज ठीक हो चुकी है या नहीं जी? मुझे मालूम नहीं, मैं तो नहीं, हम आपको नहीं सुन सकते, दोबारा मिला लें। नोहा नोहा दर्द बन कर, नोहा नोहा दर्द बन कर, चार सू रोती रही, सरब रहनाश किया में आबरू रोती रही, नोहा नोहा दर्द बन कर, एक ही हाकिम हो जैसे एक ही दरबार हो, एक ही हाकिम हो जैसे एक ही दरबार हो, बिनते जहरा माँ की सूरत हूबहू रोती रही, बिनते जहरा माँ की सूरत हूबहू रोती रही, नोहा नोहा दर्द बन कर, एक सो गए अकबर सजा कर, मौत का सहरा मगर, दौरे दूर यसरब में बहन की आरजू रोती रही, नोहा नोहा दर्द बन कर, ख्वाहिरे मक्तूल तेरी बेकसी पर दिल फिगा,
कातिलों के रूबरू रोती रही, किस तरह तू कातिलों के रूबरू रोती रही। नोहा नोहा दर्द बनकर सर खुले अगियार, सर खुले अगियार में बिलते अली को देख कर चश्मे गैरत जिंदगी सारी लहू रोती रही। नोहा नोहा दर्द बनकर करबला का सानहा पुर दर्द है इतना ज़्यादा। जब हुआ जिक्रे गरीबा गुफ्तगू रोती रही। सरबरहना अश्किया में आबरू रोती रही। दर्द बनकर आपकी खिदमत में फर्शे मोहब्बत प्रोग्राम पेश किया जा रहा, और हो सकता है जी कि हो सकता नहीं बल्कि हो चुका है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ हम चहलम के बाद संडे को आपकी खिदमत में पेश हुआ करें, और महफिल मुअद्दत के उनवान से फिर हम दोबारा शुरू होंगे आइंदा संडे। अभी टाइम प्रॉबेबली ये हो या कोई डिफरेंट हो तो वो फिर इंशाल्लाह वो भी आपको अर्ज़ कर दिया जाएगा। जी केबला आपसे रब्ता हो चुका है, अता हो जनाब कुछ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद शाम के यार तो एक वादा करो, शाम के यार तो एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगे तुम, शाम के यार तो एक वादा करो, जब तलक लौट कर मैं ना आके शम्मा जलाओगे तुम, शाम के यार तो एक वादा करो। हमने
जिंदा से पाई रिहाई, अब बहपास होगी न भाई। बात इतनी सी बस याद रखना, मेरी बच्ची है गम की सताई। तुमने बाजार में भी सताया, अपना इसको सताओ, शाम की वादा करो। जब कभी कैद खाने में आना, बेरिदा बीबियों को न लाना, तुमको असगर भी देगा इसकी तन्हाइयां यूं मिटाना। छोटे छोटे से बच्चों को लाके पास इसके सुलाओगे तुम, शाम की ओर तो एक वादा करो। एक यसरब की थी शहजादे, उसका सका था अब्बास गाजी। मुश्किलें कर गया सुए दरिया, और तब ज़ेमी कर ले तराई। लोरियों में ये सच्ची कहानी, रोज इसको सुनाओगे तुम, शाम की ओर तो एक वादा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। सलामत रहिए, सलामत रहिए। मैंने वो सवाल आपसे किया था तो फिर हमारा रابطہ कट गया कि आपके यहाँ कैसे मुहर्रम गुजरा जनाब। जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है मजारिस तो पूरी दुनिया में, जिक्र आले बात तो हर जगह दुनिया के हर कोने पे हो रहा है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम थे, डिफरेंट यहाँ पे जो है मराकज हैं, इमाम बारगाहें हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे इंतजाम थे। थोड़ी सी जैसे जैसे कानून के मुताबिक उन्होंने SOP के मुताबिक जो उन्होंने अलाउ कर रखा है जी, उसके मुताबिक जो मैनेजमेंट्स हैं इनके मुताबिक वो माशाल्लाह कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो अब भी ज्यादातर कौन से इमाम बारगाह में जाते हैं जी? मेरे करीब जी वो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज अहले बैत है मिशन में जी, तो मौलाना शुजा मुसी साहब माशाल्लाह वो उसके रुबे रवा है माशाल्लाह, और बाकी लोग भी, तो इसलिए वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल करीब है तो मुझे ज्यादा इत्तेफाक हो रहा है। मौला हमारी सबकी बेलोस इबादत कबूल मंजूर फरमाए, आपको पता है हर जगह यही सिलसिला चल रहा है। तो आप क्या मैनचेस्टर में क्या हालात हैं जी? हमारे बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा। SOPs फिर वही मसला कि उसमें जरा कुछ कोताही हैं,
हम लोगों से हुई, इंतज़ामिया तो कोशिश करती रहती है हर जगह ही, हर इमाम बारगाह में, मसाजिद में, लेकिन काफ़ी जो मोमिनीन हैं उनमें कोविड का सिलसिला फिर हुआ, क्योंकि इंडिविजुअली लोग जो है ना वो ज़रा थोड़े से एहतियात में कंजूसी बरती, तो उसके बाद बहुत से दोस्त ऐसे थे उनमें ये सिलसिला हुआ, लेकिन माशाल्लाह अभी सब रिकवर कर चुके हैं, अल्लाह उनकी ऐसी सख्त ये कानून की सख्त अता पाबंदी फरमाए। तो, जा कानून की पाबंदी तो आपको पता है उसको होनी चाहिए, उसके मुताबिक जिक्र अहले बैत से चलता रहेगा अजल से अब तक हाँ, इंशाल्लाह। जुलूस आज़ा जो अच्छा मैनचेस्टर में था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि पिछले साल तो ये हो नहीं सका था, तो लोग जी फिर इस दफ़ा बड़े जोश व खरोश से निकले, माशाल्लाह अल्लाह करीम जी सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, बेहतरीन यहाँ पर भी जुलूस आज़ा। का जो सिलसिला था जी वो होता रहा यहाँ पर, लेकिन इस दफा तो नहीं, उसका जाहिर है वो का उसके मुताबिक चलना होता है कानून के जी, लेकिन मौला का करम है जिक्र अहले बैत मोहम्मद आले मोहम्मद के सबसे चलता रहा है, सर अभी भी चल हिदायत रहा है। आलवी ने अपना भरपूर किरदार अदा किया और यहाँ से मजालस पूरे तरीके से और बेहतरीन नज़्म ज़ब्त के साथ और बर वक्त हर चीज़ जो है वो इन्होंने बेहतरीन स्केड्यूल किया हुआ था मजालस अज़ा का, तो यहाँ से माशा पेश की जाती रही हैं, और जो माशा साहबान घरों पे थे वो यकीनन इससे लुत्फ़ उठाते रहे। तो हम माशा दुआ करें इस चैनल के लिए भी कि मौला इस चैनल को सदा सलामत रखे, और यहाँ के इंतज़ामिया को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। माशा अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। कैसे बताऊं बाप को क्या क्या हुसैन कतरा है कायनात तो दरिया हुसैन है, क्या क्या हुसैन उसके लबों के छूने को पानी तरस गया, लबों के छूने को पानी तरस गया, ये कौन कहे रहा है कि प्यासा हुसैन कतरा है कायना, कतरा है कायनात तो दरिया हुसैन है, कैसे बताऊं आपको क्या क्या
हुसैन है। اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ السلام جی سرکار جناب کو چھتا میں اصل میں آج تو زیادہ چلے مختصر سا کچھ چھتا فرمائے نہیں تو میں جناب حاضر ہوں محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਹੈ ਦੁਏ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਹੈ ਦੁਰ ਮੇਰੇ ਹੋਤੇ ਗੁਰੋਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਕਨੀਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਓ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਕਨੀਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਗੈਰਤ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੈਰਤ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਜਲ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰਬਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਦੀ ਰਹੀ ਜਦਾ ਜਲ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰਬਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਦੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ ਤੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ ਤੇਰਾ ਉਤਰ ਲੈ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم جناب اکمل سید صاحب جی قادم عرض کر رہا ہوں آپ کا سلامت رہیے سرکار ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پروگرام سلامت رہیے جی آپ کے آنے سے اور آپ کا پروگرام سنا بیٹھا کبھی جو شہر خاموشاں کی خاک پر بیٹھا کبھی جو شہر خاموشاں کی خاک پر کچھ مزیتوں کی یاد میں پھٹنے لگا جگر آئی نظر جو لاش کسی کی لہو میں در پیاسوں کی سر زمین پہ تڑپنے لگی نظر آواز سن کے درد بھرے شور و شین کی کانوں میں گونجتی ہے صدا یا حسین کی آ ہم نفس بتاؤں تجھے کیا ہے یا حسین ہر عالم نفس کا اجالا ہے یا حسین ناساز یہ خرد کا مداوا ہے یا حسین انسانیت عمل ہے تقاضا ہے یا حسین وہ سرزمین جہاں یہ صدا گونجتی نہیں توہین آدمی ہے وہاں آدمی نہیں بے شک بیدار زندگی کی علامت ہے یا حسین تابند ولولوں کی حرارت ہے یا حسین خورشید بندگی کی تمازت ہے یا حسین فرد عمل پہ مہر صداقت ہے یا حسین سبحان اللہ فرد قدرت ہے اس نوائے حق انداز کے لیے زندہ ہے انقلاب اس آواز کے لیے بہت اور افکار کے لیے پرواز یا حسین کردار کی جو
जमात तक वो ताज या हुसैन, दुनिया जो कह रही है बसत नाज या हुसैन, गोया नफस नफस है ब एजाज या हुसैन। ये इश्क है खिरत को मुसखर किए हुए, फितरत है या हुसैन का परचम लिए हुए। सुभान, सुभान, सुभान। और हर दौर में तहफ्फुज इंसान है या हुसैन, हर अहद में हिकायत ईमान है या हुसैन, हर सुबह को मताए दरख्शा है या हुसैन, हर शाम की जबी पे चरागा है या हुसैन, चश्मे हयात में यही नूरे दवाम है, शमसो कमर इसी के उजालों का नाम है। और आखिरी बंधेगी के हासिल है इर्तका की सहर इस चराग से, रोशन है कायनात सफर इस चराग से, दुनिया है कामयाब सफर इस चराग से, अकबे है चार चांद मगर इस चराग से, जिस दिल को या हुसैन से वाबस्तगी नहीं, जिस दिल को या हुसैन से वाबस्तगी नहीं, वो जिंदगी की कब्र तो है जिंदगी नहीं। सुभान, वो जिंदगी की कब्र तो है जिंदगी नहीं। हुसैन रईस अहमद साहब का हुसैन, हुसैन इंसानियत के शारिक, जमीन पर करबला के खालिक, मुझे भी तर्ज़े सुखन सिखा दे हुसैन, बरहक खुदाए हक से मैं मांगता हूँ कि ये दुआ है के बे यकीनी खुश्क सानी के दौर में भी जबान तशना सुखन से अपनी कदीम कदीम लफ्जों की कुव्वतों से जदीद लहजे की जुर्रतों से यजीद को फिर यजीद कह कर हुसैनियत का अलम उठाऊं, जबान की आबरू बढ़ाऊं, हकूमत ऐज़दी को गेती पे आम कर दूं के फर्ज है ये हर आदमी का, के फर्ज है ये हर आदमी का, जो खुद को इंसान कह रहा खलीफतुल्लाह बन रहा है।
हुसैन या हुसैन, मुझे भी तेरे सुकन सिखा दे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और जनाब ये रईस अहमद साहब का को आज़ाद एक नज़म थी, तो वो आपकी फिर में पेश कर दी, क्योंकि उससे पहले अकमल सैयद साहब बड़ा खूबसूरत कलाम पेश करके गए थे। जी माशाल्लाह, बहुत आला कलाम पेश। और जनाब अगर आप में कोई सकत और हिम्मत है तो आइए बिस्मिल्लाह, नहीं तो फिर शायर बुखारी तो है ही है जनाब। जी मैं कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह आता हो सरकार, आता हो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब घर हुसैन का है, मकान तेरे तो ताज़ीम दर हुसैन का है, मेरा वजूद तो जो मेरे सीने में दिल है वो घर हुसैन का है, हजारों सर नमाज़ें जिन्हें बचाती है, नमाज़ें को जो बचा ले वो सर हुसैन का है, यज़ीदियाँ जो गए मुँह छुपाए बैठे खुदा का खौफ नहीं उसको डर हुसैन का है, ये कैसा किए कौसर ने मुझको जान दिया, गुनाहगार है अख्तर मगर हुसैन का है, इशारों महबूब घर हुसैन का है, मकाम इज्जतो ताज़ीम दर हुसैन का है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुहम्मद व आलि मुहम्मद जनाब, बहुत आला।
सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया। किबला का एक नया कलाम मिला था, तो अभी मैं वो पता नहीं किस बुक में लिख बैठा हूँ। जी माशाल्लाह। अभी नहीं, वो अभी सामने ही नहीं आ रहा, मैं इतनी देर में यही ढूंढता रहा। अच्छा देख, दिल था। चले इंशाल्लाह आ जाएगा आपको कलाम। बल्कि हमें दीजिए अपने किसी काम में बारह टाइम के हिसाब। ऑस्ट्रेलिया में जाहिर है टाइम का फर्क तो है, आपके साथ कोई इतना मैचिंग तो नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट कीजिए उनको। हाँ अभी तो गालबन बिजी होंगे क्योंकि मजालस के सिलसिले में अभी मसरूफ होंगे, लेकिन उनसे टाइम हमने लेना है इंशाल्लाह। तो अभी जब हम इतवारों में चले जाएंगे ना, इतवार के दिनों में, तो फिर करते हैं, जरा आसानी हो जाएगी उनके। सांचाए मर्ज़ी खालिक में भला है शब्बीर, कौन कहता कौन कहता है के मट्टी से बना है शब्बीर। सांचाए मर्ज़ी खालिक में ढला है शब्बीर, खाकज़ादों को हुई कब ये खिताबत मकदूर, खाकज़ादों को हुई कब ये खिताबत मकदूर, सर है नेज़े पे मगर बोल रहा है शब्बीर। खून से लिखी तफसीरे हदीसे मिन्नी ये मोहम्मद की लड़ाई है, लड़ा है शब्बीर, ये मोहम्मद की लड़ाई थी, लड़ा है शब्बीर। नक्श मातम के जो तरतीब से आरी है थे यहाँ, नक्श मातम के जो तरतीब से आरी थे यहाँ, हश्र के दिन नजर आया के लिखा है शब्बीर।
आसमां सुर्ख है, लर्जीदा है, गिर सकता है, असरे आशूर, असरे आशूर है अर तन्हा खड़ा है, शबी कौन कहता, कौन 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 कहता है के मट्टी से बना है शबी, किस लिए फिर मैं बदन छेदना डालूं अपना गिर के रहवार से तीरों पे खड़ा है शबीर। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह जना चाय साहब, के एक अभी रिसेंटली एक शायर उनका इंतकाल हुआ, उनका पंजाबी कलाम था, अगर आप एक दो लाइनें उनकी सुना दें। वो था मार दिता लोका बाबा, अभी रिसेंटली उनका। मैं तो ये मुंह में कुछ डाला था बेहतरी के लिए तो इसने खराब कर दिया। चलें अगर आपको उनकी दो तीन लाइनें याद हो तो काइंडली वो बता। मुझे वो आता नहीं, कभी कभी बाकर साथ होता ना तो फिर हम लोग, मैं उनके साथ पढ़ लेता हूँ, जहन में है वो सारे। लेकिन और आपको अता फरमाइए, फिर हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ पढ़ रहे हैं। ये किबला नजम सत्या नसी साहब का एक खूबसूरत कलाम है, आपकी जारी समाप्त तो कर रहा हूँ। اللهم صل على محمد وعلى آله جب قصہ حیات کا لکھنا جب قصہ حیات کا درد کو رو کی غذا لکھنا وقت کے ہر فرات پر رک کر اپنے ہونٹوں کو کربلا لکھنا۔ اور صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو کیوں نہ آخری لمحات میں ان کو بھی ہم نے تو پڑھا ہی ہے۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام جناب، کون سا؟ یا پلیز گو اہیڈ سن۔ جی پلیز صلی اللہ علی محمد و علی محمد و علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تیرے پتراں نے انج دی وفا نبھائی، زینب تیرے پتراں نے
انج دی وفا نبائی غازی دیوان گمیت قیام وچنائی زینب تیرے پترانے انج دی وفا نبائی ویران دا صدقہ کر کے پترانو ٹورے آئے ویران دا صدقہ کر کے پترانو ٹورے آئے دھل گئی کربلا وچ زینب دی کل کمائی زینب تیرے پترانے انج دی وفا نبائی بے کفن لاش چھڑ کے ٹور پئیے شام پاسے بے کفن لاش چھڑ کے ٹور پئیے شام پاسے نہ روئی زندگی ساری پترانو زہر جائی زینب تیرے پترانے انج دی وفا نبائی سلام صلی اللہ محمد و آل محمد. سلامت رہیے. آپ سے اور بھی یہ نوا سنتے ہیں لیکن ابھی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مشرف بخار صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ اس پرسہداری میں شامل ہوتے ہیں سرکار. اور اب یقینی طور پہ تو میں ابھی بات کروں گا نیچے جا کر, پھر پتہ چلے گا کون سے دن, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیلم کے بعد ہم کبھی امکان ہے کہ سنڈے کو یہ فرش محفل مدت پروگرام شروع ہوگا. تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جو صاحبان پروگرام میں شامل ہوئے ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. ہدایت ٹیلیون کا شکریہ, انہوں نے ہمیں یہ فورم عطا کیا ہوا. اور میرے ساتھ کاشف بھائی کنٹرول روم میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. ہدایت ٹیلیون کی مدد بھی فرماتے رہیے کیجیے. آپ فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری اپیل جاری رہتی ہے. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ خدا بزرگ و برتر آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی اور تکلیف نہ دے, کوئی غم نہ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا زینب یا زینب یا زینب.